आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी। ये मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आपके घर वाले खाकर कहेंगे लाजवाब बना है और ये बिल्कुल बाहर जैसा फील आ रहा है, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 kg पालक लिया और उसे कट करके अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है और उसे भी कट कर लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टमाटर मोटे मोटे तौर पे कट कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ के प्याज को भी कट कर लिया है, 1 लहसुन का जावा लिया है, 2 हरी मिर्चें लिए, गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती लिया है, 1 चुटकी ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च ली हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग लिया है। अब हम सबसे पहले कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें सारा पालक ऐड कर देंगे और उसे 2 विसल आने तक पकाएंगे। जब वह 2 विसल लग जाए तब हम उसे छान लेंगे किसी छन्नी की हेल्प से और सारा पानी उसका निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक मिक्सर पॉट में पीस लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब तेल लेंगे और उसमें जितने खड़े गर्म मसाले हैं उसे ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे और उसे 2 से 3 बार चलाएंगे ताकि थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद अब हम इसमें प्याज को ऐड कर रहे हैं और प्याज को भी हमें चलाना है लगातार ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और ये जले बिल्कुल भी नहीं। जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तब हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को 2 से 4 बार अच्छे से चलाएंगे ताकि टमाटर हमारा गल जाए। इसके बाद हम इसे भी थोड़ा ठंडा होने के बाद पेस्ट बना लेंगे। सेम पैन में मैंने 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाला और उसमें कटा हुआ पनीर ऐड कर दिया। पनीर को हमें फ्राई नहीं करना है, बस इसे हल्का सॉटे करना है। मैंने 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया और इसे अच्छे तरीके से मिलाया। जब सारा मसाला मिल जाएगा तो इसे निकाल लेना है। सारा मसाला अच्छे तरीके से मिल चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सेम पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला और जब वो हल्का गर्म हो गया तो मैंने उसमें सारा मसाला ऐड कर दिया और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा मसाला भुन जाए और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें जो हमने टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देना है और इसे 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है। 3 मिनट हो चुके थे, इस मसाला अच्छे तरीके से भून चुका था। इसके बाद मैंने यहाँ पे पालक का पेस्ट ऐड कर दिया और इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका तेल ऊपर की तरफ आ जाए। पालक का तेल ऊपर की तरफ आ चुका है, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, पालक पनीर बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है पालक पनीर। इसका हरापन बिल्कुल बरकरार है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आपके घर वाले खाकर आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप पे पहले पहुंचती रहे।